कि साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अरे बाबा कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, किसी से मदद मांगने जाओगे अगर मदद कर देगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको ताना जरूर मारेगा कि मैंने उस समय तेरी मदद करी थी। लेकिन इसके दरबार में आके जितना मांगोगे गलती करोगे तो भी माफ कर देगा, लेकिन हाथ नहीं छोड़ेगा। आज आए हो इतने समय तक, इतनी सर्दी में रुके हो, पूछ लेना अपने अपने भाव से कि बाबा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। के साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, कौन सुनेगा। आओ जरा जो जो सुनाने आया है दिल की बात, जो जो विश्वास से आया है, अपने अपने भाव से। अब नहीं बोलूंगी ताली बजाओ, अब वही ताली बजाना जो सच्चे और श्रद्धा भाव से आया। आओ के साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। और बाबा तुम ना सुनोगे तो कौन सुने, तुम ना सुनोगे तो कौन सुने। भाव से एक दो बजाओ ताली, साथ में कह देना बाबा से, पूरे भाव से गा देना। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। बाबा जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। और कहता है बाबा से, बाबा पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी
सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। और जो जो आया है इतनी देर से, एक बात बताओ, सच में जिस जिस को लगन लगी है वो हाथ उठाना। बाबा से किस किस को लगन लगी है? जिसके तार जुड़े हैं ताली बजाओ, ताली बजाओ धीमा धीमा। कहना ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। ओ खाटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, खाटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, ओ लीले वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, ओ लीले वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। और प्रेमी कहता है बाबा, ओ जैसे दीपक और बाती साथ रहे, जैसे दीपक और बाती साथ रहे, ओ मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे। जय हो। बोलो खाटू नरेश की। कीर्तन में गया हो लेकिन आज कीर्तन में बहुत लगन लगी हो, आनंद आया हो, ऐसा कौन कौन है जो जहां बाबा का कीर्तन होता है वहां चले जाते हैं? इधर वाले भी जाते हैं, ये नहीं सोचते कितना दूर है कितना पास है, अगर कोटा होगा तो कोटा भी चले जाएंगे। ये प्रेमी पता है क्यों जाते हैं? तुमसे मिलना, बातें करना, ओ बड़ा अच्छा लगता है। लगा पहले इतनी पूजा सेवन नहीं करता था, लेकिन जब से आपसे जुड़ा मुझे खुद समझ नहीं आता, आपकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर क्यों, मगर जो भी है वो बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। और एक प्रेमी जो जिंदगी भर चरणों की सेवा करता है, जैसे हमारे दरबार वाले भैया दिन रात भोग लगाते होंगे, सेवा करते होंगे, ऐसे मेरी माताएं बहनें घर में भोग लगाती होंगी, पूजा पाठ करती होंगी, भैया मंदिर जरूर जाते होंगे, कुछ भी काम धंधे पर गए पहले मंदिर गए, वो प्रेमी कहते हैं जिन्हें सच्ची लगन है। क्योंकि कलयुग में हर इंसान पूजा पाठ धर्म की ओर नहीं जा रहा, कुछ लोग हैं इधर जाते हैं तो कुछ इधर भी जाते हैं, लेकिन जो धर्म की तरफ है वो कहते हैं जब तक सांसें चलेगी, जब तक सांसें चलेगी, तुझको चाहूंगा शाम। कहना मेरे साथ, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार, ओ शाम। मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार।
अंतिम लाइन में सारे कह देना क्या, कि तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ बाबा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोलो खाटू नरेश की। बाबा साथी हमारा कौन बनेगा आज, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। कह दो, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई दुखिया चित उदास, अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी हरि का दास, बस सुखी हरि का। सबके जीवन में कुछ न कुछ परेशानी जरूर है, यहाँ बैठे मुस्कुरा रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं या तो आप जानते हो या मेरे बाबा जानते हैं कि आपके जीवन में क्या परेशानी है। आज बाबा से कहना, बाबा आज तेरे दरबार में बड़े भाव से आया हूँ, अपने दुख संकट सारे यहीं छोड़ के जाऊंगा। ऐसे भाव से हाथ उठाना प्रेमियों, सारे सीधे सीधे हाथ उठाना कि बाबा डूब रहा हूँ, गिरने मत देना, पकड़ के उठा लेना, और ताली बजा के कहना साथी हमारा कौन बने।
दुनिया में लोग बैठे हैं, सबको पता है आपके जीवन में आपने क्या पाप करे हैं और क्या पुण्य करे हैं। आपकी जीवन की जितनी भी चीजें हैं, आपके पड़ोसी को भी नहीं पता है कि आपने क्या करा है क्या नहीं करा है, सिर्फ आपको पता है और बाबा को पता है। आज इसके दरबार में आए हो, इसके सामने दिल की सारी बात रख देना और बाबा से कह देना कि बाबा सुना है दर पे तेरे हमेशा धर्मी आते, बोलो सुना है दर पे तेरे हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है शाम तुम क्यों घबराते, आज पापी आया है शाम तुम क्यों घबराते, अरे एक नजर कृपा के करना मानूंगा एहसान तेरा मानूंगा एहसान, संकट हमारा कैसे कटेगा संकट हमारा कैसे कटेगा, और बाबा तुम ना सुनो मत बजाना, भजन मत गाना, बस दोनों बाहें फैला लेना बाबा के सामने, दोनों बाहें। जितने प्रेमी खड़े हैं जो दरबार में मौजूद हैं, उधर वाले सारे के सारे दोनों दोनों हाथ बाबा के सामने फैला लो, सारी माताएं बहने। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ काटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे, जैसे दीपक हर ज्योति साथ रहे, जैसे दीपक हर ज्योति साथ रहे, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे। भजन सुनाना अच्छा लगता है, ताली बजाओ। तुमसे मिलना बातें करना ओ बड़ा अच्छा, बाबा सुन लो जिसको अच्छा लगता है सारे प्रेमी, बातें करना ओ बड़ा अच्छा लगता। प्रेमी बोला मुझे तो समझ नहीं आता कि ये पागल मन मुझे कैसे लगा, पहले इतनी सेवा पूजा नहीं करता था बाबा, जब से आपसे जुड़ा एक लगन सी लग गई, डोर सी बन गई, जब देखो जब खींचा चला आता हूँ। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, आप अगर जो भी है ओ बड़ा अच्छा
तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कह दो बाबा जी इधर वालों इधर से, मेरा आपकी सब काम हो। और अभी कहा था कि ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, कहते हैं करने वाला श्याम और कराने वाला। ये जो कीर्तन कराया है ये मंडल ने नहीं कराया है, ये माध्यम बने, सिर्फ माध्यम है, ये बाबा की सेवा कराने के माध्यम बने हैं। क्योंकि करते हो तुम कन्हैया, कह देना करते हो तुम कन्हैया, और बाबा मेरा नाम हो रहा क्योंकि मेरा आपकी कृपा से सब काम, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आज खंडार में कीर्तन हुआ, इस मंडल ने कराया बाबा की वजह से। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आज पूरे मंडल, कल 10 दिन तक इस मंडल की चर्चा होगी कि उस मंडल ने कीर्तन कराया था इतना बड़ा, आसपास के 5-10 गांवों में बात जाएगी। ये सेवा की बात है, जो जो शुक्रिया करने आए हैं, जो जो सेवा करने आए हैं, जरा उठाओ सीधे सीधे हाथ, अपने अपने भाव से अपने अपने भगवान को कहना मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भैया अगर आपको नाचना है 2-3 भजन के बाद फिर से नाचने के भजन गाऊंगे, लेकिन छोटी बहन हूँ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस भजन में बैठ जाओ। भैया आप जैसा भजन बोलोगे वो गाएंगे, अभी बाबा का भजन गाया, राम जी का गाएंगे, महादेव का गाएंगे, सारे भगवान का गाएंगे। हाथ उठाओ सीधे सीधे, उठाओ सीधे सीधे हाथ, बजाओ ताली 1-2-3 जा। खींचने वाले ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, जलने वाले जलते हैं, चलने दो गाड़ी फार्म में। दुनियादारी जब कुछ नहीं कर सकती, जब बाबा श्याम हमारे साथ हैं और जब उसका हाथ हमारे सिर पर है, तो कह देना जो लोग बुरा सोचते हैं उनसे कहना क्या पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, ताली बजाने से हाथ दर्द हो रहे हैं। भैया जिसके हाथ दर्द हो रहे मत बजाना, लेकिन जो सेवा करने आए वो बजाओ। अरे करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, बस आराम हो रहा है, अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। Oh, 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 oh,
दोनों दोनों हाथ बाबा के सामने फैला लो सारे के सारे, दोनों दोनों हाथ अपने आप को बाबा के हवाले सौंप दो सारे, और कह दो बाबा से मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए, अरे देना हो तो दीजिए। अनुष्का हाँ, इन्होंने हाजिरी लगा ली तो ऐसा नहीं लग रहा आवाज ठंडी पड़ गई, बिल्कुल है ना अनुष्का। और जितनी माताएं बहने ये तो बोल ही नहीं रही मेरी माताएं बहने, रोटी जिमिन आया था, रोटी खाना खाया था, सबने खाया था अनुष्का। तो एक बार गा दो साथ में सारे, कहना मेरे साथ, अरे देना हो तो दीजिए, अरे देना हो तो दीजिए। किसको चाहिए जन्मों जन्म का साथ, किसको चाहिए? उठाओ सीधे सीधे हाथ सारे, बाबा देखना तेरे दरबार में जो उठाए दोनों हाथ, सात तो जन्म निभाना साथ, और जो बजाए ताली बारह ही महीने मनाए तेरे नाम से दिवाली, कहना अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। जय जय बोलो खाटू नरेश की। ओ बाबा पूछती हूँ भैया, एक तरफ धन दौलत मकान गाड़ी बंगला पैसा सोना चांदी सब कुछ दे दो आपको, और एक तरफ मेरे बाबा श्याम है आपके साथ, तो क्या मांगोगे? झूठ मत बोलना, सच सच बोलना, क्या मांगोगे? अच्छा कोई और ज्यादा सोना चांदी रख दे, बड़ा तो जाओ इतना सारा सोना तिजोरी में तोल दे, तो क्या मांगोगे? आप लोग क्या मांगोगी बाबा को? अच्छा मेरी माताएं बहनें तो बाबा को ही मांगेंगे अनुष्का, क्यों पता है? क्यों? ये कितनी सारी संख्या में थी, देखो ये इतनी सी बच्ची है। हाँ, ये सच्ची भक्तनी मेरी मीराबाई जैसी, बिल्कुल ये सारी सच्ची भक्त हैं। और भैया तो रुकेंगे इसे, क्योंकि ये तो आजकल ज्यादा भक्ति करने लग गए, बिल्कुल। और ये सारे प्रेमी पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबा? हमें सोना चांदी बंगला गाड़ी कुछ भी नहीं चाहिए, हम पता है क्या कहते हैं आपसे? कहना तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है, हो तो मेरे किस चीज की कमी है, अरे किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, तेरे नाम का गुलाम अब, तेरे नाम का गुलाम अब बाबा, तेरे नाम का गुलाम अब, अरे तेरे नाम का गुलाम अब, अरे गुलफाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री श्याम। Oh,
देखा बच्चे कौन कौन गा रहे हैं, और जब बच्चों को महसूस हुआ बाप दरबार में है, तो बच्चों ने गाया, सुनना क्या। पूछा कि मरोड़ एक रूप है निराला, घुंघर वाला बाल मारो सांवरो रुखारो, घुंघर वाला बाल मारो सांवरो रुखारो, घुंघर वाला बाल मारो सांवरो रुखारो, लीले की टाप टप टप खड़ के, लीले की टाप टप टप खड़ के, हो आयो सांवलियो सरकार लीले पे, हो अच्छा आयो सांवलियो सरकार लीले पे। किस किस को लगा कि बाबा आज हम सबके बीच थे सच में और अभी भी हैं, किस किस को लगता है, साथ में गा देना। हो आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, हो और लेने आ जा खाटू वाले, आहा आता है मतलब, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस के, बाबा दुनियादारी छोड़कर आया हो, लेने आपको मुझे आना पड़ेगा। बाबा बोले कि दुनिया तो खाटू आती है तो मुझे रिंगस क्यों बुलाता है। तो बच्चे बोले बाबा हार कर ठोकरे खा कर तेरे दरबार में बड़ी उम्मीदों के साथ आया हूँ, और मैं बच्चा हूँ और एक बच्चा ही अपने पापा से जिद करता है ना। तो जो जो बच्चे बन कर आए हैं मेरी माताएं बहनें, जिन्होंने भजन सुना वो भी गाना, जिन्होंने नहीं सुना अपना पड़ोसी का सुन के गा देना, और ताली भी बजाना, और अगर आप बजाओ पड़ोसी नहीं बजाए तो आपकी जिम्मेदारी पड़ोसी से भी बजवाना। आओ जरा, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, छोड़ गए
सब दिल मेरा ये तो बाबा क्या करूं अपने पराए छोड़ गए सब दिल मेरा नाम है श्याम परिवार खंडार खाटू श्याम मित्र मंडल। कितने टाइम से बना भैया? अभी बना, पहली बार 2 महीने पहले मंडल बना और इतना बढ़िया कीर्तन करा। इनके लिए ताली बजाओ। अब इन भाइयों में से कौन कौन चाहता है कि आप भी कीर्तन कराओ अपने घर पे मंडल बना के? चाहते हो? अरे तो मंडल बनाकर मत करना, इस समिति से जुड़ जाना। आज अधिष्ठान अनुष्का को बुलाया, एक दिन कन्हैया मित्तल को बुलाना और कहना सारे साथ में, तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा। तू कृपा कर बाबा मैं कीर्तन करवाऊंगा और कीर्तन कराऊ ऐसा इतिहास बनाऊंगा। कीर्तन कराऊ ऐसा इतिहास बनाऊंगा। श्रृंगार करोगे तो फूल कहाँ से मंगाना चाहोगे? अरे निखिल अनुष्का, हाँ मैं बताती हूँ, ये ना लंदन से फूल मंगवाए। ऐसा? हाँ। पक्का? कौन कौन मंगाएगा? अच्छा लंदन से मंगाओगे कि खाटू से मंगाओगे? ये बात क्या कहना चाहते थे? खाटू के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा। सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते। कुछ आपको बोलते हैं कीर्तन कर और बढ़ाकर मैं तेरे साथ हूँ, कुछ लोग टांग खींचने लग जाते हैं, क्या इतने पैसे खर्च करना, क्या करना कीर्तन करके? घर में भजन गा लो। दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं तो बुरे भी होते हैं, लेकिन जब कोई बुरा बोले ना तो सुनना, उनको कहना और बाबा से भी कहना, बाबा हमें क्या मतलब, हमें तो बुलाना है आप आओगे। और हम तो एक ही बात कहते हैं, मतलब मतलब की इस दुनिया से हमको तो नफरत है। और कहना, अरे ओ सांवरे ओ मुझे तेरी जरूरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है, अरे ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है।
यानी कि बोलो शाम प्यारे की, लखदा तार की, बोलो मोर विनंदन की।